अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिनो नाज़रीन, अज़ीम बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के अंदर हम स्माइलीथ पार्क में मौजूद हैं, जहां पर साबिक वज़ीरे आज़म पाकिस्तान और सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की काल पर एक बहुत बड़ा जमे गफीर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मर्दों, ख़वातीन, बच्चे और हर उम्र के अफराद जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इजहार यकजहती कर रहे हैं इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। यहाँ पर काफ़लों की सूरत में बहुत बड़े बड़े काफ़िले जो है वो बरतानिया के इस बर्मिंघम शहर से गिर्दो नवा से जो है इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ स्माइलीथ पार्क के अंदर जो है वज़ीरे आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत में और मौजूदा जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि आवाम उन्नास जो है एक जज्बे के साथ, एक हुबल वतनी के साथ और एक अटेंशंस के साथ जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इमरान खान की हमायत कर रहे हैं, भरपूर जो है सॉलिडरिटी जो है वो शो कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ये मजमा इंक्रीज़ होता जा रहा है। जिस तरह ये सिलसिला पाकिस्तान से पेशावर के अंदर बहुत बड़ा जलसा आपने देखा और फिर कराची के अंदर भी जो है बहुत बड़ा जो है एक तारीखी जलसा हुआ और उसके बाद बरतानिया और यूरोप के अंदर जो है ये लहर दौड़ आई है और आज अजीम बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के अंदर बहुत बड़ा जो है वो जलसा हो रहा है और यहाँ पर लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। ये आपको हर उम्र के जो है, हर तबके फ़िक्र के लोग जो है यहाँ पर प्रोफेशनल्स और आम आवाम से और पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी के नुमाइंदगान जो है वो कसीर तादाद के अंदर जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं और ये इत्तेहादी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं और इमरान खान की हमायत के अंदर जो है इनका जज्बा जो है बहुत ज़्यादा जो है ऊंचा दिखाई दे रहा है, बुलंद दिखाई दे रहा है। इनके एहसासात, ख्यालात और जज्बात जानने के लिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, किस मकसद के लिए और क्या पैगाम जो है अपने कायद को पहुंचाने के लिए यहाँ पर ये मजमा इकट्ठा हुआ है, इनसे हम बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज बाहर आया हुआ है, ये बर्मिंघम का सबसे बड़ा पार्क है। एक मिनट, ये बर्मिंघम सबसे बड़ा पार्क, कोई कोना खाली नहीं है इसका। ये है जज्बा ओवरसीज पाकिस्तानियों का और ये सिर्फ यही नहीं हो रहा, ये पूरे मुल्क में हो रहा है। इस वक्त लंदन में मैं था, वहाँ हो रहा है, इसके बाद मैनचेस्टर में हो रहा है, कोपेनहेगन में हो रहा है, फ्रैंकफर्ट में हो रहा है, हर जगह पूरी दुनिया में सॉलिडरिटी विद इमरान खान। एक ईमानदार, एक सच्चा और एक खुददार लीडर जो अल्लाह का तोहफा है वो अल्लाह ने हमें दिया है, उसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करनी होगी। तो ओवरसीज पाकिस्तानी खड़ा हुआ है, पाकिस्तान खड़ा हुआ है और इन डाकुओं से जो हमारे ऊपर लाके बिठाए गए, एक से हमारी बहुत जल्दी इंशाल्लाह जान छुटेगी। इमरान खान, याद रखना, पहले भी प्राइम मिनिस्टर था, आज भी प्राइम मिनिस्टर, कल भी है, इसलिए कि वो हर मुसलमान आदमी का प्राइम मिनिस्टर है, हर मुसलमान बच्चे का प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान जिंदाबाद। बर्मिंघम के अंदर सबसे बड़ा शो हुआ है पूरे यूके में, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आप देख लें, जहाँ भी है समुद्र समुद्र। नासर भाई की और इनकी टीम का शुक्रिया, हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान हमारा लीडर है। इंशाल्लाह हम अदालत से भी ये पूछना चाहते हैं कि रात के वक्त जो अदालतें लगती हैं वो आम आदमियों के लिए लगाएं, ना कि एक इलेक्टेड हुकूमत के शबे खून मारने के लगाएं। इमरान खान जिंदा। अंदर जिस तरीके के साथ अवाम ने आज अपना जोश जज्बा रिकॉर्ड करवाया है और ये साबित कर दिया है कि इमरान खान, ना हम झुकने वाले हैं, ना हम डरने वाले हैं, हम तेरे साथ खड़े हैं और ना हम घबराएंगे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम गिरा के जाएंगे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी ओवरसीज की तादाद में लोगों ने पूरी दुनिया में ये एक आवाज उठाई है, इमरान खान हम तेरे साथ खड़े हैं। इमरान खान, तू ही एक सच्चा लीडर है जो मुसलमानों को
इस्लाम को और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाए। शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरे शहरों से लोग जहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। इमरान का जो विजन है वो इंशाल्लाह पूरा होगा। इमरान खान वापस वज़ीर-ए-आज़म होंगे और अवामी लीडर हैं, अवाम में रहेंगे और अवाम इंशाल्लाह उनका साथ देगी। और ये रात अंधेरी में ये जो काम हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। इमरान खान इंशाल्लाह मई के एंड में पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हमें ये जो नवाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत है बिल्कुल मंजूर नहीं है, हम इमरान खान की हुकूमत वापस चाहिए क्योंकि वही एक बंदा है जो कि पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। मेरा पैगाम यहाँ आज बर्मिंघम स्मॉल ईस्ट पार्क में से पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए है और ख़ासकर पाकिस्तान के आम आदमी के लिए कि अब वक्त आ गया है कि हर पाकिस्तान के आम आदमी ने इसमें अपना हिस्सा डालना है और इस नाजायज़ इम्पोर्टेड हुकूमत को गेट रिड ऑफ देम एंड हैव पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बैक इन हिज पावर, ताकि वो पाकिस्तान के मुल्क को संवार सके और इस कौम को बाशहूर कौम, बाइज्जत कौम बना सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हियर एट स्मोहित पार्क फॉर पाकिस्तान एंड इमरान खान प्रोटेस्ट। वी सपोर्ट पाकिस्तान, वी सपोर्ट इमरान खान, पाकिस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव इमरान खान, बाय। हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करना है। हम बताना चाहते हैं इमरान खान को अकेला नहीं है यहाँ, हम उनके साथ हैं, हम पूरी दुनिया उसके साथ है। आपने देख लिया कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान, पूरी वर्ल्ड में जितने भी पाकिस्तानी हैं सब इमरान खान के साथ हैं इस वक्त। मुझे सबसे ज़्यादा मायूसी अदलिया से हुई है। इमरान खान जिंदाबाद, उसको कभी किसी हालत में नहीं छोड़ सके, वो घबराए नहीं, वो हम अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। पूरा पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया उसके साथ है, हम उसके साथ हैं, अल्लाह उसके साथ है, अल्लाह का हबीब उसके साथ है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह नियाजी फिर आएगा और इंशाल्लाह 10 साल के लिए आएगा। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर है। ये देखे कितने बड़ा क्राउड आज निकला हुआ है और मैं पाकिस्तान की अदलिया को भी कहना चाहता हूँ होश के नाखल है। आपने जो इमरान खान के खिलाफ बयान दिया है, फैसला दिया है, वो टोटली गलत है और हम उसका एक्सेप्ट नहीं करते। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। Imran Khan is the true leader of Pakistan, even though he's been removed from position in Pakistan. As you can see, all these people coming out to show support, they show how important he is to Pakistan and how much confidence the people of Pakistan have within Imran Khan. Imran Khan, we stand with you always and forever. Imran Khan, zindabad insaan hai. वो हमें चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए। कहूँगा इमरान खान साहब, आप घबराइए नहीं, आपके साथ पूरा यूके नहीं, पूरा अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सब आपके साथ है। भाजपा साहब आपसे दरख्वास्त है, खुदा के लिए कुछ करें, कुछ करें। आप रिटायर होने वाले, अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह अल्लाह करे, कोई जाते जाते कोई नेकी का काम कर दे, कोई नेकी का काम कर दे, इस मुल्क को बचाएं। आपके जो बंदे शहीद हो रहे हैं, रोज शहीद हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि ये चोरों के पास जाए ये मुल्क खा डालेंगे, चोर खा डालेंगे। खुदा के लिए इनकी कुर्बानियां जाया ना करें, चाहे खुदा के लिए कुछ करें, कुछ करें भाजपा साहब, कुछ करें। आज बर्मिंघम के अंदर स्मॉल ईद में एक अजीमुशान एहतजाजी मुजाहरा हुआ जिसमें बर्मिंघम की अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ हैं, वो फौरन इलेक्शन चाहते हैं, वो फौरन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का खात्मा चाहते हैं। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, मैं फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। आज अल्लाह के फजल करम से स्मॉल ईद पार्क में इमरान खान के सिपाही लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने फैसला दे दिया है कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इमरान खान दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन जाता। इंशाल्लाह इमरान खान, हमें आपकी क़यादत पर फ़ख्र है कि जिस तरह आप इस मुल्क के लिए लड़े, इस कौम के लिए लड़े, इंशाल्लाह ताला हम किसी से कम नहीं और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपकी दुआ बात के आयन मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए दुनिया के हर माल पर लड़ेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूरों की तादाद में जो पाकिस्तानी ओवरसीज है वो इकट्ठे हुए हैं इधर और उनकी एक ही डिमांड है,
इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर नामंजूर भी गम के बागारत पाकिस्तानी और कश्मीरों ने ये साबित कर दिया है कि उन्हें किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत और बैरूनी साजिश से लाया हुआ सेटअप काबिले कबूल नहीं है। पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि फिल फॉर आवाम को ये फैसला करने का हक दिया जाए कि वो अमेरिका के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं या एक आजाद और खुद मुख्तार कौम बनकर जिंदा रहना चाहते हैं। Support of Imran Khan to stop corruption and to stop the Americans. I am with PTI Imran Khan Zindabad. मैं इसलिए आया हूं कि मैंने देखा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना बड़ा नाइंसाफी का फैसला किया है तो उनको चेहरा दिखा दूं कि आप अच्छे लोग नहीं। हम सब इस चोर लोगों के पीछे हम यहाँ पे आए इमरान खान के साथ हैं। हम पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में देखें ये बर्मिंघम में ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरा बर्मिंघम ही बाहर आ गया। ये देखें ये सारे ही सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं और बेकारी हुकूमत नामंजूर इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर। मैं अपने मुल्क के लिए आया, हम इमरान खान के लिए आए हैं कि वो पाकिस्तान को बनाएगा पाकिस्तान से। इतना ये जो चोर है बाकी उनके खिलाफ आए हैं। अगर मरियम रंगजेब सुने तो उसको शर्म आनी चाहिए, इतना झूठ बोलती है, अपनी कब्र खराब कर रही है। और जो उज़्मा बुखारी अगर वो सुन रही है तो उसको लानत है जो झूठ बोल के तो पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं। इमरान खान को बचाने के लिए आए हैं, वो रसालत के बारे में बातें करता है। हमें दीन चाहिए, इस्लाम चाहिए अपने मुल्क के अंदर। हम यहाँ से जाते थे तो हमें एयरपोर्ट से ही पता चल जाता था कि हम बैगर जो मांगने वाले हैं उनके पास आ गए हैं। और वहाँ हम जैसे ही इंटर होते थे तो वहीं हमें मांगने शुरू हो जाते थे। हम जब से इमरान खान आया था हम एयरपोर्ट बिल्कुल बेफिक्र हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी पाकिस्तानी आवाम को और पीटीआई सपोर्टर्स को कि जो पाकिस्तान में जो समंदर निकला है वो पंजाब से निकला है, केपीके से निकला है, बलोचिस्तान से निकला है, आज़ाद कश्मीर से निकला है और बल्तिस्तान से निकला है। छः समंदर निकले हैं और ये आप देख सकते हैं कि सातवां समंदर हमारी पाकिस्तानी आवाम का समंदर है। आप देख सकते हैं सारे फॉरन पाकिस्तानी हम पीटीआई के साथ खड़े, इमरान खान के साथ खड़े हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं। हम बिकने वाले नहीं हैं, हम आज़ाद कौम है, हम आज़ादी चाहते हैं। मेरा ये सिर्फ पैगाम है सारे पाकिस्तानियों को, हम एक साथ खड़े हैं। आप सारा समुंदर देख सकते हैं दोस्ती सबसे, गुलामी किसी की भी नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे आए हैं वो ये है कि हमारे मुल्क में एक जिंदगी में इतने 70 साल जिंदगी में पहली दफ़ा कोई लीडर मिला था पाकिस्तान को जिसको लोग ने इतना हैवी मैंडेट दिया था और उसको अपना लीडर चूज किया था। लेकिन हमारे मुल्क के सारे जो इदारे थे जिसमें अदलिया है, जिसमें हमारी पाक फौज है जिसका हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत पे और लोगों की मोहब्बत जो थी उससे और जिसने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जिस बंदे को चूज़ किया था उसकी हुकूमत पे 12 बजे रात को शब खून मारा गया, तो ये इसने ना सिर्फ हमारे दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत तो है लेकिन जो मोहब्बत हमारे इदारों के लिए थी वो मोहब्बत भी ख़त्म कर दी है। इमरान खान घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। बर्मिंघम में हम आए हैं यहाँ पे इमरान खान की वजह से। इमरान खान वो वाइज लीडर है जो ना झूठ बोलता है ना बेमानी करता है। वो चाहता क्या है, वो ये चाहता है कि गरीब अमीर के बच्चे सब एक तलीम हासिल करें। ये चोर चक्कों की हुकूमत को हम बिल्कुल नहीं मानते, जरदारी को, नवाज शरीफ को। और मैं बेहद अदब के साथ आर्मी के हम बिल्कुल हकदार हैं, उनके हम फेवर करते हैं, लेकिन कुछ जर्नैलों से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका किरदार क्या है इस सारी साजिश में। उनको अपने दरबार में झांकना पड़ेगा आर्मी को भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन से दूर ज़रूर हैं लेकिन हमारा दिल वतन के साथ धड़कता है और इस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ एक ही उम्मीद है और वो है इमरान खान, जो कि हमारे कौम के कोर वैल्यूज़ के लिए काम कर रहा है, क्योंकि यही वो शख्स है जो कि कौमी हमियत, गैरत और ख़ुद मुख्तारी की बात कर रहा है। और आज बर्मिंघम का ये सबसे बड़ा इज्तमा इस बात की गमाजी है कि हम दिलोजान से आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान के लिए यकजहती करने के लिए आए हैं, ये देखने अवाम का समुंदर इधर बाहर आ गया है। अब इमरान खान के साथ हम समझते हैं कि ज्यादती हुई है, पाकिस्तान के इदारों ने उसके साथ ज्यादती की है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक चार सीटों पर वो मुंतखब हुआ है इमरान खान, उसके साथ इतनी ज्यादती की उन्होंने
कि एक मिनट में उनके उतार कर रख दिया। हाँ जी, हम इमरान खान के लिए आए हैं। या कहना बदो या कहना साइन, इमरान साहिब हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ जिंदगी भर के लिए रहेंगे। भाई यह सारा जितने भी पाकिस्तानी निकले हैं, ठीक है, यह सारा डीजल के खिलाफ निकले है, चोर के खिलाफ निकले है, हम का चोर का जो हुकूमत है ना मंजूर है भाई, हम अपना जान के लिए मौजूद के लिए खड़े हैं, हम अपना जान इमरान खान के लिए दे सकते हैं। ये सारा पाकिस्तानी, सारा जितने भी कश्मीरी हमारी भाई है, सारा इमरान खान के लिए निकले है। ये सारा लोग चोर है भाई, 12 बजे पे अदालत ही लगाते हैं। कौन से मुल्क में 12 बजे पे अदालत लग जाते हैं भाई? हमारा सब अल्लाह ताला खान को लंबी जिंदगी दे, और हमें ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है हम पर, हम इसको नहीं मानते हैं। हमें सिर्फ चाहिए इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपना ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ज़बरदस्ती की हुकूमत लाई जा सकती है तो गिराई भी जा सकती है। इंशाल्लाह वी आर ऑलवेज विद इमरान खान। वी हियर टुडे टू शो आवर सपोर्ट फॉर इमरान खान। वी स्टैंड अगेंस्ट करप्शन, एनी इनजस्टिस। वी विद इमरान खान बिकॉज़ ही हैज शोन राइटियसनेस, ही हैज प्रूव्ड टू मेक अ चेंज, ही डिमांड्स अ चेंज, ही वांट्स, वी वांट अ बेटर पाकिस्तान। We've got family in Pakistan, we go to Pakistan, and we want to be given the right to go to a place which is clean, which is righteous, and there's no injustice. Fear for everyone, slaves to none, and we stand with you, Imran Khan. We show our support all the way from Birmingham. Pakistan, Zindabad! PTI all the way, inshallah. Freedom is a must. We're supporting Imran Khan, Imran Khan's right. Nawaz Sharif's chor. We're sticking up for Imran Khan. Nawaz Sharif is a chor. Khan sahab, aapne kaha tha na ke koi reh to nahi gaya jo mere khilaf na ho. तो आज मैं और हम सब आपको बताते हैं कि हमारे घर से कोई ऐसा नहीं रहा जो आपके जलसे में शरीक ना हुआ हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।